हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो आज मैं तैयार होकर के जा रही हूँ कहीं बाहर। तो कहाँ जा रही हूँ बाहर? तो बाहर कहाँ जा रही हूँ, चलिए आप लोगों को बताते हैं। तो आज एक दीदी का बर्थडे है, तो उसने ही मुझे इनवाइट किया है। एक्चुअली उन लोगों ने रात में ही बर्थडे मना लिया था, केक वगैरह कट कर लिया था। तो मैं ना थोड़ी दूर पर रहती हूँ, इसलिए मुझे आज जाना पड़ रहा है दोपहर में। वैसे उन लोगों ने मुझे सुबह में ही बुलाया था, बट मैं आज लेट से उठी हूँ क्योंकि रात में मैं लेट से सोई थी। एक्चुअली मेरे रूम पर मेरी रूममेट लोग नहीं है, सारी घर गई हुई है दिवाली की छुट्टी में, और सिर्फ एकलौती मैं ही हूँ हॉस्टल में जो कि घर नहीं गई थी। तो इसलिए मैं अकेली थी, तो रात भर मुझे अकेले डर लगता है, तो इसी कारण नींद लेट से आती है, तो लेट से उठती हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी उन लोगों के घर पहुँच चुकी हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मेरे आते ही यहाँ पर सारी तैयारियाँ हो चुकी थी, बस कुछ कुछ ही बनाना था। दाल भात सब्जी वगैरह बन चुकी थी और मुझे सिर्फ लंच करना था, इसलिए मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ। और आप लोग देख सकते हैं, मेरे अलावा दो और दीदी आने वाली थी, तो हम लोग मिल करके वेट कर रहे थे उन लोगों का। और मेरे आते हुए उन लोगों ने केक दिया था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और सब्जी चढ़ा हुआ था जो कि मैं ही चला रही थी, यानी कि मैं बना रही थी। सारा सब्जी बन गया था, बस एक ही बाकी था। तो मेरे अलावा ना दो और दीदी आने वाली थी, तो उन लोगों का भी हम लोग वेट कर रहे थे। तो देख सकते हो यहाँ पर दीदी लोग आ गई थी और हम लोग यहाँ पर बिछा दिए हैं, प्लेट लगा दी और यहाँ पर अंजू खाना निकाल रही है, देख सकते हो। तो खाना में हम लोग का बना था दाल भात चिकन पुलाव और सलाद था, तो मेरा पूरा खाना देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं खाना खाने लग गई थी क्योंकि बहुत जोर से भूख लगा था, सिर्फ एक रोटी ही खाई थी मैं। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ना बिल्ली आ गई थी। जब भी यहाँ पर कुछ खाने का बनता है ना, जैसे चिकन वगैरह, तो बिल्ली आ जाती है, जैसे कि अंजू मुझे बता रही थी। और आप लोग यहाँ पर बिल्ली देख रहे हो कि बहुत सारी बिल्लियाँ हैं यहाँ पर, सिर्फ दो ही नजर आ रही है बट बहुत सारा बिल्ली है। तो उन लोगों को भी खाने के लिए हम लोग दे दिए, जितना भी हड्डी बचा था तो सारा उन लोगों को दे दिए। उसके बाद हम लोग ना बनाने लगाए थे मिठाई रसगुल्ला के लिए। तो यहाँ पर हम लोग गोल गोल कर रहे हैं, देख सकते हो, और हमारी रसगुल्ला गोल गोल अच्छी, तो आप देख सकते हो रसगुल्ला हमारा गोल गोल पूरा अच्छी तरीके से हो गया है। एक्चुअली ये रसगुल्ला नहीं, गुलाब जामुन है। मगर अगर आपका भी इस गुलाब जामुन को देख करके मुंह में पानी आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।